स्वागत करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई काम छोड़ के आए होंगे या फिर बड़ी पैदा होंगे, तो एक अभिनंदन बनता है आप लोगों का। वाटर टेक के लिए जरूरी था कि एक बार आप लोगों से मिले, कि आप लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या समस्या है या आपका क्या सुझाव है वो हम तक आना जरूरी है, ताकि हम आगे ऊपर में दे सके और उस पर कार्य हो और भी ज्यादा सुधार किया जाए। तो हमारा मिलने का उद्देश्य यही है कि आपका इम्पोर्टेंट क्या फीडबैक हो, आगे कंपनी तक जाए। उससे आने के पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वाटर टेक कंपनी पिछले 27-28 सालों से पूरे भारत में कार्यरत है। इसका जो प्रोडक्ट है पूरे भारत में पिछले 28 सालों से बेच रही है प्रोडक्ट को। ये कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पिछले 28-29 साल पहले से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट है। इसका कोई भी कंपनी नहीं होगा, शायद नहीं होगा, अगर पायलट होगा तो दूसरी चीज है कि ये साउथ वेस्ट कंपनी है। आदमी देखिए कुछ गंभीर बीमारी होती है ना, लोग इलाज कराने साउथ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए साउथ आदमी लोग जाते हैं बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कराने के लिए और कम इलाज में अच्छा इलाज कराते हैं। सेम चीज है हमारे लिए भी, अभी भी हमारे कंपनी में या साउथ की जो भी कंपनियां हैं मैक्सिमम कंपनियों में ईमानदारी मौजूद है। आप जो उसका उत्पाद देखेंगे, जो आप प्रोडक्ट देखेंगे, सबसे पहला चीज उसका रहेगा कि आपको क्वालिटी में कोई समझौता नहीं मिलेगा। क्वालिटी आपको 100% सही मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, उन्होंने क्वालिटी को अच्छा रखा, लेकिन बाद में क्या ना कंपटीशन में आए तो दाम थोड़ा कम किया और क्वालिटी को घटा दिया। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है, यही कारण है कि हमारी कंपनी दाम भी बहुत ज्यादा नहीं घटा पाती है, थोड़ा जितना संभावना होता है उतना घटाती है, क्योंकि क्वालिटी को उसको मेंटेन करना है। तो ये तो था हमारा कंपनी के बारे में छोटा सा चीज। बाकी हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट वाइज मैंने क्या क्या आइटम है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग सब लोग वाटर टेक लगाते हैं? बहुत लगाते हैं आप लोग। वाटर टेक में क्या क्या लगाते हैं? लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाएं। बिल्कुल, फायदा ये हुआ कि कम जिंदगी में तैरना सिखा दिया। सच
में जो स्टील वाला आता है स्टील में पानी की चटान लग जाता है या आगे चलते खराब हो जाता है। इसमें भी है ना कि बचने वाला जो है ना वो स्लिप कर जाता है, ये आगे वाले का ये वाला जो है ना ये स्लिप कर जाता है, इसमें अंदर में लॉक है एक प्लास्टिक का दिया वो स्लिप कर जाता है इस मॉडल में करता है। और जो गोल वाला था उसमें ठीक है इसी डिजाइन में आता है जो पहले से चलते आ रहा है वो ठीक है ये स्लिप कर रहा है जैसे आप देखिए बता दी तरह से और भी कोई ऐसा कोई समस्या तो ना लगा कि हम प्रॉब्लम कुछ चार इंची का पाइप हम लोग ऐसा है ना इसके तीन आदमी चार आदमी चढ़ जाते हैं अभी की रेट में जो सिवा कहता है 4 इंची उससे हम लोग का कम से कम 6 इंची ऐसा ऐसा यहाँ जितना निकला है तो मौसम को पानी का फ्लो वहाँ भी एक आर्टिकल है यहाँ पे हम मतलब यहाँ इतना है क्या इतना है। तो बताइए सर रेस्टोरेंट में कैसा आपका अनुभव रहा? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा आज हम लोग वाटर टेक कंपनी से यहाँ पे वर्मा रेस्टोरेंट में कोलोबर मीट किए हैं तो ओवरऑल जो भी टाइम का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा और खाना काफ़ी टेस्टी भेज या नॉनवेज दोनों और इनका सर्विस बहुत अच्छा लगा हमें और काफ़ी सपोर्टिव है और जो भी होगा आगे हम लोग भी यहाँ मीटिंग करेंगे और सर्विस इनका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये इतने छोटे से जगह राजा पाकर में हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इतना बढ़िया रेस्टोरेंट मिलेगा और इतना बढ़िया सर्विस मिलेगा तो ये भी एक मतलब काफ़ी अच्छा है। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है मतलब सोफा लगा हुआ नॉर्मल चेयर भी नहीं है सोफा है टेबल भी कम्फर्टेबल था हम लोग अपना लैपटॉप रख सकते हैं या खाने का भी कोई दिक्कत नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें सब व्यवस्थित थी तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। थैंक यू।